विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा, क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु, बहुत जल्दी में आया हूँ, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है, और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए, हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण रा, समझ नहीं आ रहा, राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दी है। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार रहा, मुल्का मरने को तैयार नहीं मरा। हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं, रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय, सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए, आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का।